नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आरएस बेदी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ओमिक्रॉन वायरस से रिलेटेड। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कनिका जी। जी। और सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करना चाहूंगी, इसके साथ ही सभी डॉक्टर्स को सल्यूट करना चाहती हूँ जो इतने पेंडेमिक दौर में भी इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं और लोगों की जान बचाने का पूरा काम जारी है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत सराहना का ये विषय है कि जैसे कि इतनी जो पहली दो वेव्स आई उसके अंदर इतने तादाद में जो मरीज आए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मालूम है कि हेल्थ का बहुत ही कम होने के बावजूद ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और बाकी हेल्थ के जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, इन्होंने जिस तरह से ये काम किया है, ये बॉर्डर में लड़ाई करने से भी कई दर्जे ज्यादा इसका महत्व है। और अगर आप देखते हैं तो डॉक्टरों ने और हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी अपनी जाने गवाई हैं और जितनी जाने इन्होंने सेव की हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में एक जो इंडिया की ये एक अपने आप में मिसाल की बात है। बिल्कुल मिसाल पेश करता है। और वहीं आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, फिलहाल पंजाब की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा इतनी ज्यादा केसेस बढ़ते गए, उसके बाद सेकेंड वेव आई और अब ये ओमिक्रॉन वायरस सामने आ गया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओमिक्रोन का जहां तक पंजाब का सवाल है तो चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका के आए हुए जो एक है प्राणी, उनको ये ओमिक्रोन से वो ग्रस्त हुए हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि जो बाकी तीन लोग जो सदस्य थे इस परिवार के, उनमें ये नेगेटिव पाया गया है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग द्वारा हमें ये भी मालूम करना है कि ये ओमिक्रॉन है या कोई और वायरस है। जहां तक पंजाब के आंकड़ों की सवाल है तो अभी तक आंकड़े बहुत ज्यादा इतने तादाद में बढ़े नहीं है जी। मगर कि ओमिक्रॉन की जो एक स्प्रेडेबिलिटी है ये बहुत तेज मानी जा रही है कि ये डेल्टा वेव से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने की इसकी संभावना है। तो ये हो सकता है कि अगले 10-15 दिनों में ये जो अपना तेजी का रुख जो है वो सामने आए। और इसमें एक और बात है कि अगर हम पहले दो वेव्स की बात करते हैं तो वहां पर हमने फ्लाइट्स जो थी बहुत जल्दी बंद कर दी थी जी। और यहाँ ऑलमोस्ट 15-20 दिन से बाकी मुल्कों में ये ओमिक्रॉन जो वायरस है वो फैला हुआ है और उसके चलते जो फ्लाइट्स है वहां से लगातार इंडिया में आ रही थी। तो डॉक्टर होने के नाते जो हम डिस्कशन भी करते हैं उसमें ये माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन वहां से हिंदुस्तान में आया तो होगा, उसके लक्षण कब तेजी से नजर आएंगे उसकी इंतजार जो है हमें भी करनी है और बाकी सबको भी करनी है। बिल्कुल डॉक्टर जी, देखा जाए तो कोरोना काल की जैसे ही शुरुआत हुई थी तब भी तमाम लापरवाहियां थी जो बढ़ती गई थी, आम जनता की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी हमने देखा। और साथ ही हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से आप जानते ही हैं कि कितने लोगों की जानें चली गई हैं। फिलहाल इससे अब कैसे बचा जाए और इसके क्या कुछ लक्षण हैं जिससे पता लगे कि ये ओमिक्रॉन वायरस है? देखिए, लक्षण काफी हद तक तो जो पहले वाले जो खांसी, जुकाम, बुखार, फटीग, बॉडी एक्स, ये जो लक्षण थे, सांस का फूलना, जुकाम होना, ये वो लक्षण वही नजर आ रहे हैं ओमिक्रॉन में भी, क्योंकि बेसिक जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है। हाँ, इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एक अच्छी बात यह है कि जहां पर इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत ज्यादा समझी जा रही है वहां पर ये भी शुरू के जो संकेत आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ये उतना सीरियस ना हो जितना कि डेल्टा वायरस सीरियस होगा। मगर यहाँ पर अगर हम इसको लेके अगर हम आराम से बैठ जाएंगे तो हमारे से ज्यादा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। हाँ, आपने जो बात की कि इसके लिए हम इतिहाद क्या बरते हैं, तो ये तीनों चीजें जो हम पहले बात करते थे इसमें चौथी आप जुड़ गई है, वैक्सीनेशन, मास्क जो है उसको ठीक तरह से पहनना बहुत जरूरी है। हम मास्क की बात करते हैं मगर हम इतनी बेपरवाही से इस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3-प्लाई का मास्क होना चाहिए,
इतना टाइट तरीके से पहना होना चाहिए ताकि उसकी जो सांस आप लेते हैं या छोड़ते हैं वो मास्क के द्वारा अंदर या बाहर आना चाहिए। हम मास्क को ढीला पहन लेते हैं और साइड से जो है वो हवा जाती है, उसका मतलब ये है कि ना तो हम खुद सुरक्षित है और ना हम आसपास के लोगों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउड में मत जाइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, जो तीन चीजें हैं ये अभी भी प्रधान है, और वैक्सीनेशन जो है वो दो डोजेस लगाना बिल्कुल ही लाजिम है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो बेहद जरूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो WHO का ये कहना है कि ये कोरोना वायरस का जो तीसरा वर्जन अब निकल कर सामने आ रहा है ओमिक्रॉन, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए यस, इसका हमें अभी तक ऐसे आंकड़े सामने ही नहीं आए हैं जिससे मालूम पड़े कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो आज हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि ये खतरनाक होगा। और जितनी संख्या भारत में है, अगर ये हम फिर ये लाखों और करोड़ों के तादाद में इस किसके चपेट में आ जाएंगे, तो सीरियस भी अगर उसमें 10% भी लोग सीरियस होंगे फिर उनका आंकड़ा भी करोड़ों में हो जाता है। तो हिंदुस्तान की संख्या है इतनी भारी है, और जो सेहत से जुड़े हुए इंतजाम जो हमारे हमने जो सारे किए हुए हैं वो पहले से अच्छे हो गए हैं, मगर फिर भी वो इस वेव को अगर ये बहुत ज्यादा ये फैलती है तो हम दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें हम सेकंड वेव में आए थे। बिल्कुल, और इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगी, जैसा कि हमने पूर्व में देखा था कोरोना काल में जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम पे काफी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली जिससे तमाम लोगों की जानें चली गई, हम उन्हें बचा नहीं सके। फिलहाल अगर हम पंजाब की बात करेंगे क्योंकि आप चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद है, वहां पर हम जानने की कोशिश करें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कितना सुधार किया गया है जिससे आने वाले दिनों में अगर ओमिक्रॉन वायरस फैलता भी है तो परेशानियां ना हो और जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो रखी जाए। देखिए अगर हम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले के मुकाबले आज जो है वो काफी अच्छा हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर इतना अच्छा नहीं हो सकता कि हम हजारों लाखों और करोड़ों के तादाद में लोगों को दाखिल कर सके, तो इसलिए इतिहास बरतना जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जहां हम ऑक्सीजन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हाँ उसमें काफी सुधार हुआ है, मगर अब वो जब हम उसको ऑपरेशन में लेके आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉपरली ऑपरेशन होने के स्थिति में भी आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि कागजों में ये सारा कुछ जो है वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी यहाँ से ये बढ़ा दी है, वहां से ये बढ़ा दी है, बट कई जगह पे जब हम डिस्कशन करते हैं हमें ये मालूम पड़ा है कि हाँ वहाँ प्लांट आ तो गया है मगर वहां पर वो ऑपरेशनल होने के स्थिति में है भी कि नहीं है, उसका अभी पूरी तरह से हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं। अच्छा, तो एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि बताया जा रहा है कि सर्दियों में कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैलता है, ये मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि पहले हमने देखा कि सर्दियों में वाकई कोरोना वायरस काफी तेजी से फैला था और काफी ज्यादा मौतें भी तब हुई हैं, क्या एक बार फिर से ऐसी स्थिति बन सकती है? यस, देखिए जो ये वायरस है ये RNA वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है, और हम सब देखते हैं जो वायरसेस जुकाम खांसी करते हैं वो सर्दियों में ज्यादा हैं। ये वायरस जो है उनको भी एक तापमान चाहिए, एक ऐसी कंडीशन चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें वो खुद पनपते हैं, तो ये वायरसेस जो है सर्दी के मौसम में जो है वो ज्यादा उठ के आते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हम बाहर ना निकलें, खास करके अगर हमने सैर करने जाना है बहुत सर्दी के टाइम सुबह सुबह सैर पे मत जाएं, रात को लेट भी सैर को मत जाएं, अपना आहार ठीक रखें, अपने आप को जो है वो कपड़े अच्छे से पहने ताकि आपको सर्दी ना लगे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें कोरोना से भी बचाव में काम आएंगी, क्योंकि अगर हमारे को नॉर्मल वायरस भी पकड़ता है तो उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और अगर इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो कोरोना वायरस को भी पकड़ने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, लाइक इम्यूनिटी हमारी कैसे बूस्ट हो जिससे हमें इससे बचा जाए?
देखिए इसमें विटामिन डी का रोल अच्छा है, जो भी हमारे जो फल है और जो सब्जियां है इसमें आहार बहुत अच्छा है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनमें एग जो है वो काफी अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी में प्रोटीन देता है। दालें हैं ये, इनमें प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है। इसके अलावा फ्रूट्स में विटामिन सी का बहुत बड़ा एक रोल है इसके अगेंस्ट। तो मैं समझता हूँ कि गोलिये खाएं आप ना खाएं, पर जो नेचुरल तरीके से अगर आप फल के द्वारा और ये सब्जियों के द्वारा, एग्स के द्वारा, नॉन वेजिटेरियन द पल्सेस के द्वारा, ये जो आपको इम्यूनिटी मिलेगी ये आपको बहुत कारगर सिद्ध होगी। बिल्कुल बेदी जी, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है? क्योंकि पहले भी हमने देखा लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, साथ ही काफी ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं, क्या एक बार फिर से ये स्थिति बन सकती है? देखिए अगर हर नागरिक जिम्मेवार हो जाएगा और मैं समझता हूँ आज से अगर वो तीनों इतिहाद जो इसके लिए बनाए गए हैं उसको सख्ती से बरतना शुरू करेगा और वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में लग जाएंगी और पब्लिक प्लेसेस के जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरखास्त करूंगा कि वो एक सख्ती से लोगों में, जहाँ पब्लिक प्लेसेस में है, जहाँ जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए जो क्राउडिंग कर रहे हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, दुकानें हैं, वहां पर बहुत सख्ती से इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इसका पालना पूरी तरह से हो रही है। अगर हम ये अगले 15-20 दिन को बहुत सख्ती से कर सके तो हो सकता है हम लॉकडाउन से बचने में कामयाब हो सके। बिल्कुल बेदी जी, तो द न्यूज 15 के माध्यम से आप लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो आप अपने साथियों को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे। तो आप हर आदमी अगर अपने बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इस वेव को हम पीछे धकेल सकते हैं। ये एक लड़ाई है वायरस की और मनुष्य की। मनुष्य एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली प्राणी है और हमें ये यहाँ जताना है कि हमने जीतना है ओमिक्रॉन से, ओमिक्रॉन को जीतने नहीं देना। बिल्कुल बेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज 15 के साथ जुड़ने के लिए।